बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक पॉलिटेक्निक होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रधाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। हम लोग साथ फरीदा खातून जी मौजूद हैं और इन सब लोग बात करेंगे, इनके पति हैं छोटे जी, ये भी हैं, इनके साथ हम लोग बात करेंगे। आपको बता दें कि पहले ये वार्ड 25 हुआ करता था, लेकिन अभी वार्ड 34 हो गया है। और जब ये लोग पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो भारी समर्थकों के साथ ये लोग वोट मांगने निकल रहे हैं, ढोल ताशे के साथ निकल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे? कहना क्या है, काम जो हुआ है उसमें जो बाकी काम है, अगर मैं फिर आऊँगा उसको पूरा करूँगा। और किसी से कोई हमको मतभेद नहीं है, सब लोग मेरे अपने हैं। मैं भी आप पार्षद रह चुके। पूर्व में मैं 10 साल पार्षद रहा हूं, एक एक इंच मैं सीमेंटेड रोड करा दिया हूं, बॉल बत्ती, लेकिन आज तक बॉल भी नहीं लगा, खराब है, बॉल भी नहीं बन रहा है, नाली भी नहीं साफ हो रहा है, आप इधर देख लीजिए। लेकिन मैं जो आऊँगा तो सफाई पर ध्यान दूंगा, सबको 1 लाख मोहब्बत से रख के लेके चलेंगे और जो बाकी काम है उसको पूरा करेंगे। कई सारे समर्थक आपके साथ घूम रहे हैं, खास करके महिला सीट है तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, कितना समर्थन मिला लोगों को? ये समर्थन बहुत काफ़ी मिला है, महिला का भी मिला है, पुरुष का मिला है, बच्चे बूढ़े जवान सबका मिला है, और सब लोग मेरे साथ दिल से हैं एकदम। कोई उम्मीदें बड़ी हैं? उम्मीद बड़ी है कि पहले ऐसा काम होगा, अब जो होता था वो नहीं होगा। क्या कुछ कहेंगे क्षेत्र क्षेत्र के जनता से? यही कहेंगे कि हमारा साथ दें, अगर मैं आ जाऊंगा तो फिर जैसा पहले 10 साल था उसी तरह फिर लेके चलेंगे। पूर्व में भी ये 10 सालों तक पार्षद रह चुके हैं, यानी 2 टर्म पार्षद रहे हैं, उसके बाद यहाँ से इनकी हार हो गई, लेकिन एक बार फिर से ये चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जनता जिताती है तो विकास होगा। बताइए क्या कुछ कहेंगे? जनता हमें मौका दे, जिस सीट मिला है हमें ठीक है, और कोई तो बैठी नहीं है, जनता हमारे साथ है, सेवा का मौका दे हमें इस बार। फरीदा खातून जी है जो कि चुनाव लड़ रही हैं वार्ड नंबर 34 से, क्या कुछ कहेंगे? रुखसार जी आप क्या कहेंगे, किस बारे में चुनाव लड़ रही हैं? देखिए सबसे बड़ा बात ये है कि कोई भी मोहल्ला का समस्या है, जैसे कोई काम हो, रोड हो, नाला हो, ये सब चीज़ है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये सारा देने का काम करेंगे, पहले भी दे चुके हैं, अभी भी देंगे। अब दूसरी बात ये है कि मोहल्ले का बहुत सारा समस्या है, समस्या यह है कि छोटे छोटे काम के लिए, जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए पैसा लिया जाता है, दिया जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। हमको उम्मीद है कि इनके साथ ऐसा नहीं है, जैसे कोई कार्ड हो, आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे किसी तरह का कोई कार्ड जो बनता है छोटा छोटा जो मोहल्ले के लिए, उसके लिए भी पैसा वैसा लिया जाता है, जो नहीं लिया जाएगा, किसी से भी नहीं लिया जाएगा, बस यही है। बता दीजिए, पद पे नहीं रह के भी वो बहुत कुछ करते हैं, तो जब उनको मौका दीजिएगा तो वो क्या कुछ नहीं करें? पद पे नहीं रहते हुए काम होता, फिर भी जनता को बहुत सपोर्ट करते, पूरे मतलब जहाँ रहते हैं अपना सपोर्ट करते, तो जब उनको मौका दीजिएगा तो क्या कुछ नहीं करेंगे वो? तो जनता से अपील है कि उनको एक मौका दे, बिना पद के वो इतना कुछ कर सकते, तो पद पे रह के क्या नहीं कर सकते? पार्षद उम्मीदवार फरीदा खातून जी है जो अपने क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, समर्थकों के साथ है, और सबसे बड़ी बात कि ढोल ताशे के साथ निकल रही है, यानी जिस तरह सभापति रूप सभापति का चुनाव हो रहा है उसी तरह से यहाँ पे पार्षद के लिए भी चुनाव हो रहा है और लोगों में उसी तरह का उत्साह है। हालांकि 20 अक्टूबर को जब वोट डाले जाएंगे और 22 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा कि जनता ने वार्ड नंबर 34 से किसको इस बार अपना पार्षद बनाया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।